असीम दृढ़ संकल्प करेंगे, कभी महादेव की निंदा करेंगे नहीं, सुनेंगे देव की निंदा करेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं शास्त्र की निंदा करेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, और कभी भी सज्जन ब्राह्मण साधु संत महापुरुष सगे संबंधी रिश्तेदार और आस्य संकल्प करें दुश्मन की भी कभी निंदा नहीं करेंगे। इसके बड़ा पाप क्या हो सकता है? शिव द्रोही मम भगत कहवा। रामचरितमानस तुलसी ने कह दिया, राम जी ने कहा, विष्णु ने बार बार कहा, द्रोही मम भगत कहवा सपने हूँ सो लेकिन जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकती है ये सब जो जीवन में बात समझ ले। तो सूर्य श्रुति निंद्र कर जे अभिमानी, सूर्य श्रुति निंद्र कर जे इनमें छोड़ने में कुछ नुकसान भी नहीं होगा। छोटा सा संकल्प जीवन में बहुत बड़ा प्रकाश दे सकता है, जो कि आप सभी तो कभी किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, मैं तो आप ऐसे ही कहता हूं, अहमदाबादी कभी किसी के साथ विवाद नहीं करता, आप साबरमती के तट पर रहने वाले लोग हैं और पूज्य महात्मा गांधी की पावन भूमि पर रहने वाले लोग हैं, एक कर्णावती नगरी है, इस पावन नगर में आप रहते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों को छोड़ने से बहुत कुछ मिलता है। सती ने आज जोड़ जोड़ कर बार बार कहा मनाने के लिए कि आप निंदा मत करिए, क्यों मेरे महादेव की, और किसी की भक्ति को विक्षेप करना वो भी अपराध है। जिनका जहां मन लगे उसकी साधना उपासना करें, इनमें हमारी क्या बात है। सती ने कहा महात्मा जी क्षमा चाहती हूं, आप अकेले अकेले यहां निंदा करो, मैं भाग जाऊं यहां से। सती ने तपस्थली छोड़ने का निर्णय कर लिया। सती ने एक कदम दूसरा कदम सती ने भरा। सती ने जो साड़ी पहनी थी श्वेत, थोड़ी देर खींची हुई देखी। सती के मन में हुआ कहीं कांटे झाकरे में भर गई होगी, साड़ी का पल्लव खींचा हुआ देखा, और सती ने पीछे मुड़कर देखा तो स्वयं शंकर जी सती के साड़ी का पल्लव पकड़कर खड़े रहे। तू कहाँ जा रही है, मैं तो तेरी भक्ति की दृढ़ भक्ति की एक परीक्षा कर रहा था। भगवान परीक्षा बहुत करते, जितने जितने भक्त हुए उनकी कसौटी बहुत की, भक्त बिना थे प्रथम पीड़ाना, अनगढ़ संकट तेने पड़िया, मोर ध्वज माथे करवत मेला भी, क्या क्या